हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कैसे लेते हैं। आपने न्यूट्रिशन वर्ड सुना है? न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना, उनको बनाना या उनको इनटेक करना, मतलब उनको सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो डेली रूटीन के जो फंक्शंस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है ना, अगर हम चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या जो भी चीज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, उसके लिए वो एनर्जी दे हमें, ठीक है ना, वो इसके लिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपना फूड जो होता है वो तो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फूड में न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट आता है, ये सब चीजें आती हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर तो ये सब चीजें क्या है, बनती है, ठीक है ना, वो बना सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो ये सब चीजें नहीं बना सकती, हमें इसलिए क्या होता है, बाहर से फूड इनटेक करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। हालांकि प्लांट्स को भी ये न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए क्या होता है, बाहर से कुछ रॉ मटेरियल्स लेने की जरूरत होती है, उसके बाद ही उनके अंदर फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, ये ऐसी कुछ प्रोसेस होती नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने फूड के लिए, या अदर एनिमल्स जो होते हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ एक स्पेशल प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे किसी न्यूट्रिएंट्स को बनाने में प्लांट की हेल्प करता है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे, सुनिए, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि अगर कोई भी हम फूड कंपोनेंट खा रहे हैं तो उसका मेन जो है, मतलब कोई भी फूड खा रहे हैं तो उसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, बहुत लेस अमाउंट में विटामिंस एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हम एज अ फूड जो होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी जो है उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। प्लांट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, सर एक घर में मम्मी खाना बनाती है ना, हम अपना फूड जो है वो खुद बना रहे ना। अरे वो वैसे फूड की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, वैसे फूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ये सब बनाने की कैपेसिटी होती है, क्या हम क्या अपने आप ये सब चीजें बना सकते हैं, क्या हम ये नहीं बना सकते, हमें कार्बोहाइड्रेट बाहर से लेना पड़ेगा एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, प्रोटीन बाहर से लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं है, क्यों बैठे बैठे हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है ना, कोई स्पेशल प्रोसेस चल रही है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो बाहर से खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस अलग है, ठीक है ना, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपना फूड जो होता है वो कहां से लेते हैं, या तो वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं, और वो भी एनिमल्स कौन से, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, तो इसीलिए ह्यूमंस जो है या फिर दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स पर डिपेंड रहने का मतलब ये होता है कि वो हर्बीवोरस है, मतलब प्लांट या उसके कंपोनेंट्स को खाते हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि वो किसी ऐसे एनिमल को खा रहे हैं जो प्लांट को खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं, ठीक है ना, वो मीट जो होता है वो किसका होता है, ठीक है, वो गॉट का होता है, ठीक है, बकरी जो होती है, और वो क्या खाती है, प्लांट खाती है। तो इनडायरेक्टली हम क्या है, प्लांट पर डिपेंड है या नहीं है, जब तक गॉड को प्लांट नहीं मिलेगा तब तक वो मीट नहीं बनाएगी, और मीट नहीं होगा तो वो ह्यूमन उसको कैसे खाएगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो भी ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, और डायरेक्टली का मतलब हम प्लांट
या उसका कोई कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं फूड के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। यार ये चीज देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कुछ मिनरल्स का यूज करते हैं और अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये उनके रॉ मटेरियल्स हैं। मैंने कहा था ना, प्लांट्स जो होते हैं उनको भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे अंदर फूड बन गया, कुछ रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ना। तो ये रॉ मटेरियल्स ये होते हैं कि वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। तो लिविंग बींग्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बनाने की कैपेसिटी वैसे तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये हमें चाहिए होते हैं किसके लिए, टू ग्रो, ग्रो होने के लिए, ठीक है, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स, अगर कोई बॉडी के अंदर पार्ट डैमेज है, जहां पर सेल्स डैमेज है उस डैमेज को सही करने के लिए हमें चाहिए ये सब, ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चलती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीजें हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स के तौर पे। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इनटेक करता है फूड, ठीक है, और उसका यूज करता है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसका यूज करता है एनर्जी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ सिंपल सिंपल मटेरियल का यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पा रहा है, तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट इज ऑटो, ऑटो मींस सेल्फ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ मींस नरिशमेंट, यानी कि वो खुद ही क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स ये होते हैं जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्लांट्स को अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए ना मेनली चार मटेरियल्स की जरूरत होती है, चार चीजें चाहिए उनको, फोर। नंबर फर्स्ट चाहिए होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड CO2। दूसरा चाहिए होता है वाटर, H2। तीसरा आप बताता हूं मैं, चाहिए होता है सनलाइट। सनलाइट जो होता है ना, उनकी प्रेजेंस में ही प्लांट्स जो है वो खाना बनाएंगे, अपना न्यूट्रिशन जो है वो बनाएंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, सनलाइट चाहिए होती है। और चौथा जो मटेरियल चाहिए होता है वो प्लांट्स के अंदर खुद के अंदर ही होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये चार मटेरियल्स जो होते हैं, ये चार चाहिए होते हैं एक प्लांट को अगर उसको अपना फूड सिंथेसाइज करना है तो, ठीक है। जिसमें से एक बात सुनी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और वाटर जो होता है वो बाहर से इनटेक करता है प्लांट, क्योंकि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वहां से इनटेक करता है। वाटर कहाँ से इनटेक करता है? वो वाटर जो होता है वो सॉइल में, हम मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो जो रूट्स होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट जो होता है वो सन से आती है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और लीव्स ही वो साइट होती है जहां पर फूड बनने की प्रोसेस होती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। यानी कि एनिमल्स जो होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, उसको खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटरोस का मतलब होता है अदर, मतलब किसी दूसरे से फूड लेना, करेक्ट। देखिए, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खुद का फूड जो है वो सिंथेसाइज कर पाते हैं। Photosynthesis, the food making process in plants, ठीक है। Leaves are the food factories of plants, ये अभी बताया था मैंने, क्योंकि leaves ही वो site होती है जहां पर क्या होता है, food synthesize होता है, क्योंकि वो green color का जो pigment है जिसको हम chlorophyll बोलते हैं, वो leaves की cells में ही present होता है।
Therefore, the all raw materials must reach the leaf. तो इसीलिए जितने भी मैंने अभी raw materials बताए आपको, वो सारे के सारे leaf तक पहुंचना बहुत जरूरी है. Number first, carbon dioxide. Number second, water. Number third, sunlight. And number fourth, जो plant के अंदर पहले से ही है, chlorophyll substance. ठीक है. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and are transported to the leaves. ठीक है. क्या है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है. कौन करता है एब्जॉर्ब? रूट्स करती है. एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उनको लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो वहां पर यूज में आए और उसके थ्रू क्या करें, फोटोसिंथेसिस किया जा सके. फोटोसिंथेसिस में काम आए ये चीजें. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी तो इंटेक करना है. वो कहां से इंटेक की जाएगी? लीव्स. लीव्स होती है ना, लीव्स, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. वो स्टोमेटा जो होते हैं, वो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, उन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर आती है. ठीक है ना, इंटेक की जाती है. ठीक है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो ये जो पोर्स होते हैं उनके बाहर की तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है. गार्ड का काम क्या होता है आपको पता है क्या? गार्ड का काम होता है गेट को खोलना और बंद करना. एग्जैक्टली. तो वो जो गार्ड सेल्स होती है वो स्पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है. तो स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स. ठीक. एंड दे हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. और वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये टाइनी पोर्स. देखो जैसे यहां पर एक लीव बता रखी है. ठीक है, ये लीव. अब इस लीव के अंदर अगर छोटा सा पार्ट लेकर के अगर मैं इसको जूम करता हूं तो इसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा पोर दिखाई देता है आपको. ये देखो, ये पोर, दैट पोर इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग. ये वाला है जो, इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं. ये छोटा सा पोर है, इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं. और इसके बाहर की तरफ क्या है, देखो इसके बाहर की तरफ ऐसे गार्ड सेल्स है. ये देखो, ये जो मैं ब्लू कलर की बना रहा हूं, दैट आर गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स होती हैं. और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं, किसके अंदर हेल्प करती है, इस स्टोमेटल पोर को ओपन होने में और क्लोज होने में. ठीक है, क्योंकि जब जरूरत होती है ना तभी ये पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं. तो ये स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है ये वो पोर होता है जहां से गैस एक्सचेंज होती है. तो बताओ, अभी अभी बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहां से आती है, वो स्टोमेटा से होकर के लीफ में एंटर करती है. ठीक है. वाटर जो होता है वो कहां से आता है, वाटर जो होता है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है और पहुंचाया जाता है लीफ तक. वहां पर लीफ तक कैसे पहुंचाया जाएगा, लीफ तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है ना, स्पेशल टिश्यूज भी बोल सकते हैं उनको. तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम बोलते हैं जाइलम. ठीक है ना, जाइलम जो होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, उस वाटर को रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अब बात करते हैं, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है और ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है. ठीक है. और ये दिखा रखा है यहां पर लीव को, यहां पर लीव का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखा रखा है, अ सेक्शन थ्रू आउट द लीव. देखिए कैसे, जैसे मान लो एक लीफ है, ये लीफ है, बहुत पतली सी लीफ होती है, इसका मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया, यू सीधा काट दिया. तो यहां से जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कैसा होता है, बहुत ही पतला सा होता है. लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए ना, इस पोर्शन को, कि लीफ कितनी चौड़ी है, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो लीफ कुछ ऐसी दिखाई देती है. और यहां पर नीचे की तरफ ये टाइनी पोर्स है, देखो इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ये टाइनी पोर्स, छोटे छोटे टाइनी पोर्स है यहाँ बीच में, देखो ये और लोअर सरफेस पे भी होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स, मोस्ट ऑफ द लीव्स में. ठीक है. आप देखिए, द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. फोटोसिंथेसिस वर्ड किसके लिए है, देखो फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट के टाइम पर, ठीक है, कुछ रॉ मटीरियल से अपना फूड सिंथेसाइज करना, उसके लिए टर्म जो है वो यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो रॉ मटेरियल चाहिए हमें. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प करता है सनलाइट
है सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है, ताकि उस एनर्जी का यूज किया जा सके और फूड बनाया जा सके। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वॉटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चार रॉ मटेरियल्स चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल से प्लांट में एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वहां से एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहां से सनलाइट आ रही है, तो ये चारों के चारों रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है प्लांट के पास, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, देखो जब फोटोसिंथेसिस होती है ना तब क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है प्लांट, ये बाकी सारी चीजें जो है वो तो इनटेक कर रहा है, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर रिलीज करता है प्लांट, और उस ऑक्सीजन का एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ये प्लांट ले लेता है वापस, और बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब ये स्टार्च कहां से आया सर, सुनिए ध्यान से, एक प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर यूज करता है, सनलाइट यूज करता है, ठीक है, और यूज करता है क्या, क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंट, ठीक है ना, क्लोरोफिल जो है वहां पर जरूरी होता है। तो उसके बाद इन रॉ मटेरियल से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, ग्लूकोज जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दैट आर मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो बताओ ये ग्लूकोज जो है क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में नहीं आता क्या, क्योंकि ये भी तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट है ना। तो इसलिए यहां पर बनता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च के अंदर। बताऊं क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे ना हमारे घर के अंदर जो है मम्मी खाना बनाती है ना, तो खाना बनाने के टाइम पे क्या होता है, जितना खाना हमने खा लिया वो ठीक है, और अगर जो खाना बचा हुआ है तो मम्मी क्या करेगी, उसको एक डब्बे में पैक करके रख देगी कि बाद में खाने के काम आएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है ना, तो वो जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का वो ऑटोमेटिकली या इमीडिएटली यूज नहीं भी करेगा प्लांट, तो वो बाद के लिए स्टोर करके रखता है। तो जो ग्लूकोज है जो वो बाद के लिए स्टोर किया जा रहा है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब उसको वापस से ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट आएगी तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाएगा, उससे ग्लूकोज बनेगा और प्लांट उस ग्लूकोज का यूज भी कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए जो प्लांट में स्टोर्ड फूड होता है वो एज अ स्टार्च स्टोर किया जाता है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल। अगर कोई लीव जो है अगर वो ग्रीन नहीं भी है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कुछ लीव्स ऐसी होती है जिसके ऊपर है ना ग्रीन कलर तो होता है लेकिन उसके ऊपर रेड कलर के पैचेस होते हैं, ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, है ना, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। कुछ लीव आपने देखा होगा रेडिश कलर की होती है, कुछ ब्राउन कलर की होती है, उन सभी में फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। A large amount of red, brown and the other pigments mask the green color. यानी कि सिर्फ क्या होता है, क्लोरोफिल ही जरूरी नहीं होता है, कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ज़ैंथोफिल होता है, कैरेटिनॉइड्स होते हैं, तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स भी होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं लीव्स को और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ लीव्स दिखा रखी है, यहाँ पर ये लीव्स दिखा रखे, देखो कुछ येलोइश कलर है इसके ऊपर, ठीक है, ये हल्का पर्पल कलर है, ब्राउनिश कलर है, ठीक है। ये सारी लीव्स जो होती हैं ये अलग अलग कलर की है, इनमें प्योर ग्रीन कलर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, तो इन लीव्स के अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और अ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, कुछ स्लाइमी ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, हरे रंग के कुछ पैचेस आपको दिखाई देते हैं प्लांट के अंदर पॉन्ड्स में, और अ स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी,
ठीक है ना, बहता हुआ पानी नहीं, फ्लोइंग वाटर नहीं, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है स्टेबल वाटर, ठीक है ना। वहां पर ऐसे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखते हैं, दिखते हैं, ये क्या है, ये एल्गीज होती है, ठीक है, ये एल्गीज है। These are generally formed by the growth of organisms called algae. तो वो ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, वो ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो एल्गी होती है, ठीक है। They contain chlorophyll which gives them the green color. यानी इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसी कारण से क्या होता है, ये भी ग्रीन कलर की होती है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होती है वो भी अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गीज जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के अंदर, पता है। एल्गीज जो होती है हमारे यहाँ पर पॉन्ड्स के अंदर तो कम, लेकिन जो ओशंस होते हैं ना उनके अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में एल्गीज है। इवन आपको पता है पूरे वर्ल्ड का, पूरे इवन पूरे अर्थ का मैं अगर बोलूं, उसके पूरे अर्थ का 50% फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एल्गीज करती है। इतनी ज्यादा एफिशिएंटली वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, क्योंकि ओशंस जो होते हैं उनके अंदर तो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सकती है। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है ना। तो एल्गीज जो होती है वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेचर वाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कुछ ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा होते हैं। यानी कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या वो भी प्लांट में सिंथेसाइज हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन, फैट, ये सब भी सिंथेसाइज हो सकते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो वो कैसे होते हैं, ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अलावा, प्रोटीन, फैट, ये सब कैसे सिंथेसाइज होंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। मेनली यहाँ प्रोटीन की बात की गई है, करेक्ट। देखिए, प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, करेक्ट। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके पास तीन कंपोनेंट होते हैं मेन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एक शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आती है। तो उसका फॉर्मूला पता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन के नंबर है 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन है यहाँ पे 6, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। Proteins are nitrogenous substances which contains nitrogen. यानी कि proteins ऐसे nitrogenous substances होते हैं जिनके पास extra nitrogen होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो carbon, hydrogen और oxygen तो होगा, लेकिन साथ में वहां nitrogen भी present होगा। तो ऐसे molecules जिनके अंदर carbon, hydrogen, oxygen के अलावा nitrogen भी होता है, एक nitrogen content भी होता है, वो portion जो होता है उसको हम बोलते हैं protein। ऐसा nutrient जो होता है उसको हम protein कहते हैं, correct? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्ड्यूसेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। यानी कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एयर के अंदर। आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में रहता है एयर। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो N2 के फॉर्म में रहती है, वो एक गैसेस फॉर्म में रहती है। और पता है नाइट्रोजन कंटेंट कितना है एनवायरमेंट के अंदर, 78% एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन ये प्लांट्स जो है ना वो इस N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा है N2 के फॉर्म में होता है, 78% है, लेकिन फिर भी ना तो N2 के फॉर्म में प्लांट्स उस नाइट्रोजन को इनटेक कर सकते हैं और ना ही एनिमल्स। हम भी नहीं ले सकते और प्लांट्स भी नहीं ले सकते। तो सर अब फिर प्लांट्स को या हमें नाइट्रोजन मिलेगा कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन। तो सर कैसे मिलेगा, सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन इस फॉर्म में तो नहीं मिल सकता, लेकिन नाइट्रोजन को अगर मैं किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन है इसको अगर कन्वर्ट कर दिया अमोनिया के अंदर, NH3 में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया कहते हैं NH3 को, उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, NO2- NO3- ये क्या होता है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इन फॉर्म में इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाए, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म्स होते हैं, ये हायर क्लासेस के अंदर आते हैं और ज्यादा, ठीक है ना। आपको बस एक बार के लिए मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। तो अगर इन फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाए तो प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो सर अब इस N2 को
इस अमोनिया में NO2 में NO3 में इसमें कैसे कन्वर्ट करें? सुनिए ध्यान से, कुछ बैक्टीरिया होते हैं नेचर के अंदर, वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मैं बात करता हूं, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसको वो कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया के अंदर, और ये जो अमोनिया है ये प्लांट के अंदर चला जाएगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचर के अंदर मिलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ना जिसमें N2 को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद प्लांट जो होते हैं वो उसको इंटेक कर लेते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सिएशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिएशन है। तो नाइट्रोजन फिक्सिएशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि प्लांट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, और उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट जो है वो उसका यूज कर सके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सुनो, द सॉइल हैज अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, देखा अभी, एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और उसको क्या किया जाता है, वो नाइट्रोजन जो होता है N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और वो सॉइल के अंदर अमोनिया रिलीज कर देते हैं, या NO2 या NO3 जो होता है वो रिलीज कर देते हैं, क्लियर है। फिर उस सॉइल से वो नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन पता है क्या, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो परमानेंटली क्या करते हैं, प्लांट की रूट्स में ही रहते हैं, और वहां पर भी क्या करते हैं, N2 को NH3 में, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। भाई ये तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया प्लांट के लिए, वो है या नहीं? तो कई बार क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट की रूट्स के अंदर रहते हैं, और कई बार ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में फ्रीली रहते हैं, फ्रीली, ठीक है, किसी के साथ नहीं रहते, वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। तो जो नाइट्रोजन जो है उसको जब अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ ही नाइट्रोजन कंटेंट जो होते हैं ये भी प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग द फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। कई बार क्या होता है, जब उस सॉइल के अंदर अगर, या उस प्लांट की रूट्स के अंदर अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो क्या करेगा फार्मर जो होगा वो बाहर से आर्टिफिशियली क्या करेगा, कुछ मैन्योर्स वगैरह जो होते हैं वो ऐड करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं, और फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा खासा होता है, और वो नाइट्रोजन जो होती है वो ऑलरेडी एब्जॉर्बेबल फॉर्म वाली नाइट्रोजन ही होती है जिसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर एक प्लांट दिखाया हुआ है, देखिए ये प्लांट किसका है, ये पी प्लांट है, मटर का प्लांट है ये, इसकी पॉड है, फली है उसकी, ठीक है। और इसकी रूट्स में देखो आप, छोटी छोटी रूट्स जो है इसके अंदर ही है, ये देखो छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन स्ट्रक्चर्स को पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नोड्यूल्स, नोड्यूल्स बोलते हैं, यानी छोटी छोटी सी गांठें होती है एक तरह, ठीक है ना। इन नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को लेता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और यहां पर जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी वो प्लांट को मिल जाएगी, ठीक है। ये बैक्टीरिया, यहाँ ये जो नोड्यूल है इसके अंदर ये बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, ये बैक्टीरियम, करेक्ट। आगे चल, देखिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। एक मिनट सर, क्या क्या बोला इसने, इसने बोला कि प्लांट जो होता है उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता, फिर वो अपना फूड सिंथेसाइज कर ही नहीं पाते। सर अब तक तो आपने बताया कि सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, अब तक जो अपनों ने इंफॉर्मेशन ली है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, एक्सेप्शन है प्लांट्स में, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मेनली आपके जो कोर्स में है वो एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है। आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो तो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं सर, क्या वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं? हाँ, करेक्ट। ऐसे प्लांट्स जो खुद का फूड तो सिंथेसाइज कर ही नहीं पाते तो वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो प्लांट्स जो होते हैं उनको हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। देखिए ध्यान से सुना, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल,
they cannot synthesize food, correct? Like humans and animals. Humans or animals ke jaise kuch plants hote hain, such plants depends on the food produced by other plants. Yani ki animals jo hote hain, wo bhi plants pe depend rehte hain. ठीक है, ह्यूमन जो होता है वो भी प्लांट्स पे डिपेंड रहता है फूड के लिए. ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, करेक्ट. दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं नेचर में, ठीक है. उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. इसका एक एग्जाम्पल होता है कस्क्यूटा, जिसको हम आम भाषा में अमरबेल कहते हैं. एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, उसके ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है, आगे इसका डायग्राम भी है, मैं बताऊंगा. देखो, यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. क्या आपने कभी किसी ट्री के ऊपर येलोइश कलर की कुछ वायरी स्ट्रक्चर या वायरी प्लांट देखा है? सर नहीं देखा, अभी देख लेंगे. ठीक है, तो वो जो है वो अमरबेल या कस्क्यूटा है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करेगी. ये रहा कस्क्यूटा. देखिए, ये एक नॉर्मल प्लांट है और उसके ऊपर ये देखो येलो स्ट्रक्चर है, ये येलो स्ट्रक्चर है, ये कस्क्यूटा है. ठीक है, इसके पास क्या होता है, कुछ सकर्स होते हैं. सकर्स का मतलब क्या होता है, सक करने वाले. ठीक है ना, वो क्या करते हैं, प्लांट के चिपक जाते हैं और प्लांट से न्यूट्रिशन जो होता है वो सक करते रहते हैं. देखिए, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. जिस भी प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलेंगे. तो ये प्लांट कौन हो गया, ये होस्ट प्लांट हो गया, करेक्ट. और सिंस इट डिस्क्राइब्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या करता है, उसके बाद वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए, वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट प्लांट. कस्क्यूटा प्लांट जो होता है वो पैरासाइट प्लांट होता है. देखो, ये पैरासाइट है, पैरासाइट प्लांट है. तो जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है ना, दैट प्लांट इज कॉल्ड होस्ट. और ये जो प्लांट है कस्क्यूटा, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट, करेक्ट. आगे चलते हैं. देखिए, उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात. सुनो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, करेक्ट, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बनेगा, करेक्ट. लेकिन उनका एक पोर्शन और होता है, उस पोर्शन में वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना उनको ट्रैप करते हैं. इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे और उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करेंगे और उससे भी अपना न्यूट्रिशन लेंगे. मतलब सर ये ऐसे प्लांट है, मतलब फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, ठीक है, और उनको इंसेक्ट भी चाहिए. देखो, डबल डबल फायदा चाहिए इनको. मतलब फोटोसिंथेसिस तो करूं मैं, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ जो न्यूट्रिशन बन रहा है वो तो ठीक है, उसके साथ इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करेंगे वो और वहां से भी न्यूट्रिशन लेंगे उनको डाइजेस्ट करके. ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्शियली हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स. पार्शियली हेटरोट्रॉप्स या पार्शियली हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है. क्यों, क्योंकि उनका एक पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, उनका एक पोर्शन फोटोसिंथेसिस कर रहा है और दूसरा पोर्शन जो है वो इंसेक्ट्स को भी खा रहा है. ठीक है, सुनिए, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स which can trap insects and digest them. Plants ऐसे होते हैं जो trap करते हैं insect को और उनको digest करते हैं. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. उन plants को क्या बोलते हैं? Insectivorous plants कहते हैं. The pitcher-like or a jug-like structure is the modified part of leaf. तो क्या होता है? इनकी जो leaf होती है ना, इनकी leaf वो एक jug-like structure में या pot-like structure में क्या करती है? Convert हो जाती है. देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं. इनकी लीफ जो है वो जग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. इसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा ढक्कन होता है, छोटा सा, इसको हम लिड बोलते हैं. ये अलाइड लिड, जब इंसेक्ट आता है ना, जब इंसेक्ट आता है ना, तो यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है इंसेक्ट, ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, ये लिड क्लोज हो जाती है और अंदर की तरफ लगे होते हैं बहुत तीखे तीखे कांटे, यहाँ से हॉर्न्स लगे होते हैं. तो अगर इंसेक्ट बाहर निकलना भी चाहे तो इन हॉर्न्स के अंदर वो अटक जाता है और वापस नीचे गिर जाता है. और यहां पर होता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो उस इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. देखिए, द पिचर लाइक और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. द एपिक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड. एपिक्स का मतलब क्या होता है, जस्ट जो किनारे वाला पार्ट होता है ना लीफ का, जस्ट आगे वाला हिस्सा, वो ऐसे लिड में कन्वर्ट हो जाता है. दैट कैन ओपन एंड क्लोज, जो ओपन और क्लोज हो सकता है, द माउथ ऑफ द पिचर. और जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है इस पिचर के माउथ को, ठीक है.
अब देखते हैं इसका रियल डायग्राम। ये रहा रियल डायग्राम, देखिए ये है पिचर प्लांट जो क्या करेगा, इंसेक्ट्स को क्या करेगा, ट्रैप करेगा और उनको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये रहा ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर और ये स्किल लिड ऊपर की तरफ, यहां पर ये लिड दिखाई दे रही है, ये लिड्स है, ये देखो ये लिड, ये पिचर। तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, लीफ ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सर ये ऐसा क्यों करते हैं, सर इनको क्या फोटोसिंथेसिस से खाना ढंग से नहीं मिलता क्या, इसलिए ये फालतू में क्या करने वाले हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को और ट्रैप करने लगते हैं। सुनिए बताऊंगा, ठीक है अभी दो मिनट रुकिए बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद इसका भी रीजन बताता हूं। देखो द हेयर इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट Entangled in the hair। यानी क्या होता है, ये पोर्शन जो होता है जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, ये लिड जो होता है वो क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट जो होता है वो ट्रैप हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, the lid closes and the insect is trapped। ठीक है, the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher। तो पिचर के अंदर क्या होता है, digestive juices होता है जिसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब बात सुनिए मेरी, बात क्या है, सर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं नाइट्रोजन के लिए। ये सर इन प्लांट्स को फिर नाइट्रोजन नहीं मिलता क्या, वैसे सॉइल में से, सॉइल में इन प्लांट्स को नाइट्रोजन उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं। जब इंसेक्ट जो होता है ना उसको जब डाइजेस्ट करता है ना ये, तो इंसेक्ट जो है ना उसके ऊपर के ऊपर एक ऊपर उसके ऊपर उसकी स्किन के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो कवरिंग है किसकी, काइटिन की कवरिंग है। वो काइटिन जो है वो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो सर उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेंट होगा। वो क्या करते हैं, उस काइटिन को डाइजेस्ट करते हैं और काइटिन को डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस नाइट्रोजन कंटेंट को वो यूज करेंगे अपने प्रोटीन बनाने के लिए। इस कारण से क्या होता है, ये प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनको डाइजेस्ट करता है नाइट्रोजन कंटेंट के। ठीक है, देखिए आगे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होते हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, वो उनको और ज्यादा डिकम्पोज करवाते हैं और उस डिकम्पोज होते हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। करेक्ट, such organisms which are the saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs। yani ki aise organisms jinke andar kya hota hai saprophytic mode of nutrition dikhta hai unko hum saprotrophs bolte hain। these organisms are called fungi। kaun hota hai aisa, fungus hota hai। fungus jo hota hai wo saprophytic mode of nutrition jo hai wo dikhata hai। fungus dekhiye, matlab dekhiye kisin fungus, batata hu suniye। fungi also grow on pickles। pickles ke upar grow kar jati hai, leather ke upar grow kar jati hai, क्लॉथ्स के ऊपर कई बार ग्रो कर जाती है और दूसरे आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी कई बार फंगस ग्रो कर जाती है। कौन से पार्टिकल्स के ऊपर ग्रो करती है, जिनको छोड़ा जाता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और जो गर्मी है, हीट जो है वो भी ज्यादा है वहां पे। देखो दैट आर लेफ्ट इन अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर उसको जैसे छोड़ दिया जाए वहीं पर तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पॉइल कर देती है फंगस, क्योंकि क्या करेंगी, जिस चीज के ऊपर भी वो ग्रो करेंगी उस चीज को क्या करेंगी, वो डिके करने लगेंगी। ठीक है ना, उसको डिकम्पोज करने लगेगी और वो खराब हो जाएगी चीज। सुनना अब बताता हूँ मैं आपको, फंगस आपने देखा होगा, देखना आप है ना स्कूल में ना लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, देखना अगर कभी ऐसा हुआ हो तो। जब लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं आप स्कूल के अंदर, तो कई बार क्या होता है, आप अपने फ्रेंड का लंच बॉक्स खा लेते हैं, आपका लंच बॉक्स जो होता है वो पड़ा ही रह जाता है। ठीक है ना, फिर डर के मारे मम्मी को बताते नहीं है कि मैंने लंच बॉक्स खाया नहीं। ठीक है, तो एक दिन दो दिन तीन दिन वो बंद ही रह जाता है, लेकिन जब कभी वो लंच बॉक्स मम्मी के हाथ लगता है, तो जब लंच बॉक्स वो खोला जाता है तो उसके बाद एक तो मम्मी का गुस्सा, दूसरा मम्मी कहती है कि ये तो खाना खराब हो गया, इसके ऊपर फंगस लग गई। आंसर सुनना, फंगस लगी तो कैसे लगी, आपको पता है फंगस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, वो एनवायरनमेंट में ही होते हैं। जब है ना वो बंद किया जाता है, जब लंच बॉक्स बंद किया गया, तो वो स्पोर्स जो है वो लंच बॉक्स में थे। ठीक है, थे, लेकिन आपने बहुत जल्दी लंच बॉक्स खोला और खाया तो वो खराब नहीं हुआ, लेकिन दो से तीन दिन तक जब आपने उस लंच बॉक्स को नहीं खाया तो वहां फंगस को ग्रो होने के लिए टाइम मिला। ठीक है ना, वहां पर क्या था, बंद रहा वो, तो वहां पर ह्यूमिडिटी बनी, ह्यूमिडिटी रही तो फंगस जो है वहां पर ग्रो करने लग जाती है।
उसके बाद क्या होता है, जब फंगस वहां पे ग्रो कर जाती है, जब हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां फंगस ग्रो कर गई है, ठीक है ना। फंगस जो होती है वो कुछ छोटे छोटे व्हाइट कलर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसके ऊपर ग्रो कर जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे होती है। उसके बाद देखिए, स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में होते हैं, जब वो गिरते हैं किसी भी वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर और लंबे समय तक वो वहीं पड़े रहते हैं तो वो वहां पर ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने के बाद उनको स्पॉइल कर देते हैं चीजों को। यहां पर देखो, ये फंगस है, इस फंगस के ऊपर, ये फंगस है, ये ब्रेड के ऊपर ग्रो कर गई है। देखो, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये ब्रेड के ऊपर ग्रो की गई फंगस है। इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखे ना तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है हमें, ठीक है ना। बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको भी और थोड़ा सा जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये फंगस ऐसी है, फंगस ऐसी यूं ग्रो की, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर कुछ ऐसी डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ये इन डॉटेड स्ट्रक्चर को स्पोर्स बोलते हैं, यार स्पोर्स, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो है वो बस्ट होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बस्ट होता है, और यहां से जो स्पोर्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। जहां पर भी उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिला, मतलब वार्म और मॉइस्चर वाला एनवायरमेंट, वहां ये जो स्पोर्ट्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे फिर फंगस जो होती है वो उस पूरे सब्सटेंस के ऊपर ग्रो कर जाती है और उसको स्पॉइल कर देती है, ठीक। देखिए नेक्स्ट, देखो ये दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर क्या होता है, इसको हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ में रहते हैं और एक साथ में रह करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं देखते हैं, सुनिए। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो शेल्टर शो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं कि मेरे पास न्यूट्रिशन है तो थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मैं रख लेता हूं। शेल्टर है उसके पास, अगर रहने के लिए जगह है तो थोड़ी जगह में एक ऑर्गेनिज्म रह लेगा, थोड़ी जगह में दूसरा ऑर्गेनिज्म रह लेगा, ठीक है। या एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने के लिए जगह देगा, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट्स। क्या होता है, कुछ फंगस ऐसी होती है जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती है। ये सारी फंगस जो होती है ना वो हार्मफुल नहीं होती, कुछ फंगस अच्छी भी होती है, बेनिफिशियल फंगस भी होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फंगस होती है जो क्या करती है, प्लांट की रूट्स के अंदर रहती है, ठीक है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, अब बताऊं सर, जो फायदा है वो बताऊं, फायदा सुनिए। ये फंगस जो है जो वो प्लांट की रूट्स के अंदर रहती है, तो फंगस को फायदा सुनिए, फंगस को रहने के लिए जगह मिल गई, उसको शेल्टर मिल गया, ठीक है। प्लस फंगस को एक और फायदा है, प्लांट्स जो भी फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फूड जो है वो भी फंगस को प्रोवाइड करवाता है, करेक्ट, ठीक है। ये दो फंगस को बेनिफिट हो गए। अब बेनिफिट जो है प्लांट्स को क्या बेनिफिट है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है रूट से, तो वो न्यूट्रिएंट्स फंगस एब्जॉर्ब करती है, और फंगस एब्जॉर्ब करके उन न्यूट्रिएंट्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, प्लांट को प्रोवाइड करवाती है। तो हुआ कि नहीं, प्लांट को भी फायदा, ये सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। एक और रिलेशनशिप है, देखो देखो, पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ मिनरल्स और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को प्रोवाइड करवाती है, कौन, फंगस, ठीक है। दूसरा देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस। लाइकेंस जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उनके अंदर क्या क्या होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। यानी कि इसके अंदर भी दो पार्टनर होंगे, लाइकेन के अंदर भी दो पार्टनर होते हैं। इसका फर्स्ट पार्टनर कौन होता है, एल्गा, एल्गा मतलब एल्गी, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। ग्रीन एल्गी है मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी, एंड अ फंगस लिव टुगेदर। और उसके बाद क्या होता है, इसका दूसरा पार्टनर होता है फंगस। ये फंगस भी अच्छे वाले फंगस होते हैं, खराब फंगस नहीं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। यहां पर जो फंगस है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, फंगस बड़ा है, तो फंगस जो होगा वो क्या करेगा, एल्गी को देगा शेल्टर वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड द इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और बदले में क्या होगा, एल्गी ग्रीन है तो ग्रीन एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उस फंगस को भी प्रोवाइड करवाएगी,
फंगस को भी फायदा और यहाँ एल्गी को भी फायदा, ठीक है ना। ये जो लाइकेंस होते हैं ना, ये देखिए ये ऐसे लाइकेंस, ये क्या है, ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। लाइकेंस जो है वो आपको उन जगहों पर दिखेंगे जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे आप कभी भी ऐसे एरियाज में जा रहे हो, हिली एरियाज में जा रहे हो, उत्तराखंड हुआ, मनाली हुआ, शिमला हुआ, उन जगहों पर आपको क्या होगा, इन प्लांट्स के ऊपर ये लाइकेंस ग्रो किए हुए बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो लाइकेंस उन एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर पॉल्यूशन कम होता है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो उन एरिया में लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप अपने जो सिटी है उसके आसपास जो है वो आप लाइकेंस को ग्रो करते हुए कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये उन्हीं जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होगा, उनका जो अमाउंट्स होता है सॉइल के अंदर वो डिक्लाइनिंग मोड पे जाता रहता है, मतलब कम होता रहता है, करेक्ट। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स जो है जैसे मैन्योर हो गया, या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके अंदर ये अच्छे खासे अमाउंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स भी देते रहते हैं सॉइल को, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट ने एब्जॉर्ब किए हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को वापस से मिल जाए, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, ठीक है, सही बात है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट टू द प्लांट। प्लांट्स हेल्दी रहेंगे अगर हम उनके जो रिक्वायरमेंट है वो वाले फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, वो वाले जो आयंस वगैरह जो होते हैं वो सॉइल के अंदर वापस से रिप्लेनिश करते रहते हैं, तो प्लांट्स को भी वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे। प्लांट्स को वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, सीधी सी बात, करेक्ट। आगे देखिए प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो प्लांट वाटर के साथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में या वाटर के साथ सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। पीछे अभी थोड़ी देर पहले अपने बैक्टीरिया देखा था, ये रहा बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिए, ये रहा बैक्टीरिया जो प्लांट्स की रूट्स में रहता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये क्या करता है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म के अंदर, यानी कि अमोनिया के अंदर। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम जो होता है उसके पास खुद का फूड बनाने की कोई टेक्निक नहीं है। तो प्लांट कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास फूड है, मैं फूड बना सकता हूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना फूड का हिस्सा आपको दूंगा, आप एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कीजिए और मुझे दीजिए, करेक्ट। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम यानी चना, पीज यानी कि मटर, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें सारी की सारी पल्सेस आती हैं। जितनी भी दालों वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, मटर है, मूंग है, जितनी भी दालें हैं, ठीक है ना, वो सब जो है वो लेग्यूम प्लांट्स कहलाते हैं। उन प्लांट्स को हम लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। They does have a symbiotic relationship. इसलिए ये जो relationship है, ये भी symbiotic relationship हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ ना? तो यहाँ पे ये symbiotic relationship है। यहाँ पर आपका chapter complete होता है। ये chapter से related आपको कोई भी doubt है, तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं। Okay? Keep learning and keep growing with Winsome International School. Thank you.